अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। और हम आज मीट पाए बनाएंगे कीमे के साथ एंड पेस्ट्री के साथ। पेस्ट्री बहुत आसान तरीका है बनाने का, वो मैं बना के लाई हूँ, बना कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ। सिंपल शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है ये, अभी बना के फ़ौरन आप नहीं उसको बेल सकते हैं, इसको आपको 1 से 2 घंटे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आई हैड टू डू दिस। आप 200 ग्राम मैदा लीजिए, छान के एक बोल में डाल दीजिए, चुटकी भर उसमें आप नमक डालिए, 100 ग्राम ठंडा फीका अनसॉल्टेड मक्खन डालिए ठंडा, 1 अदद अंडा डालिए ठंडा, और 2 से 3 टेबलस्पून ठंडा पानी डालिए। अंडा पानी और मक्खन को ठंडा होना ज़रूरी है, ठीक है, पिघलाया हुआ नहीं लीजिएगा। सो आप मैदा लीजिए, उसमें नमक डालिए, एक टुक आधा, मतलब 200 ग्राम का मक्खन होता है तो आधा मक्खन आप उसमें डालिए, और फिर आप कांटे से या छुरी से इसको चॉप करते जाइए ताकि पूरा जो मक्खन है वो ब्रेड क्रम स्टाइल हो जाए इन योर मैदा, ठीक है। उसके बाद आप ठंडा अंडा डालिए, 2 से 3 चम्मच ठंडा पानी डाल के हाथ से फिर गूंद लीजिएगा, मक्खन को हाथ से नहीं करिएगा, और बस वो गूंद के आप 2 से 3 घंटे रख दीजिएगा फ्रिज में, क्लिंग लगा के फिर बेलिएगा उसको। लेकिन मैंने पाए को कवर करना है, दोनों ऊपर नीचे का, बीच में आएगा कीमा और ऊपर और नीचे पाए का क्रस्ट होगा, तो मैंने उस डो को आधा डिवाइड कर दिया है, छोटे एक पाए प्लेट में निकाल के यहाँ रख दिया है, उसको ठंडा किया है और कांटे से प्रिक कर दिया है। अब जो कीमा हम पकाएंगे उसको हम थोड़ा सा ठंडा करके इसके ऊपर डालेंगे, और फिर हम दूसरा बेस इसका ये हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले हम बेस रख कर देते हैं, ठीक है। सो ये अपने पेपर लिया, ग्रीस प्रूफ पेपर, ऐसे आप इसको क्रश कर दीजिएगा, आप इसको रख दीजिए, इसके ऊपर आप बीन्स रख दीजिए, लोबिया मैं हमेशा लेके आती हूँ, कुछ भी आपको जो भी कुछ, इसको वे डाउन करना है ताकि ये राइज ना हो, और इसको आपने अभी बेक करने रख देना है। समझ आ गई ना, अवन प्री हीटेड होना चाहिए, ये अवन में आपने रख दिया, हो गया, ये हो जाएगा, हम 10 से 15 मिनट के बाद निकालेंगे। मैं हमेशा बेस को बेक करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नीचे का बेस कच्चा हो। बहुत सारी फेमस बेकरीज में भी आप जाएंगे कराची में, तो अगर वो कीश बना रहे हैं तो वो मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने बेस बेक नहीं किया है, बिकॉज ऊपर का पूरा क्रस्ट हो जाता है, गोल्डन हो जाता है चीज़, लेकिन नीचे से पेस्ट्री कच्ची निकलती है। सो प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है, और बेस को थोड़ा सा बेक कर दीजिएगा। अब हम कीमा पहले पकाएंगे, उसको ठंडा करेंगे, फिर उसको निकाल के उसको भी ठंडा करेंगे, बेस को उस पर रखेंगे, और फिर ये दूसरा है ये बेल के मैंने यहाँ रख दिया है ताकि हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। सो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या क्या चीज़ें हैं, कीमा है, बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, मटन का ले लें, व्हाटएवर, थाइम है, काली मिर्चें, नमक है, मैदा है, लौंग है, लहसुन है और प्याज है। सो सबसे पहले बहुत थोड़ा सा तेल। अच्छा जी, आज हमारे शो पे है इनेक्स की तरफ से स्मार्ट ड्राई आयरन, तो अगर आपको जीतना है आपने मुझे बताना है 888-1 पे कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, कोई से भी ऐसे अच्छे से रेसिपीज़ कीमे से जो हम बनाते हैं, चाहे चिकन का हो, मटन का हो, बीफ का हो, जो भी। अच्छा, दूसरी रेसिपी के बारे में बताती चलूँ, चीज़ टोस्ट बना रहे हैं हम, इसी तरह आप प्रॉन टोस्ट बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि प्रॉन्स को आपको मसाले के साथ मिक्स करके पूरा ग्राइंड कर देना होता है फूड प्रोसेसर में, फिर आप उसको लगाइए और आप उसको डीप फ्राई कर दीजिए। यहाँ मेरे पास चीज़ है एंड दूसरे अज्जा जो हम बाद में बताएंगे आपको, चीज़ को हम लगाएंगे टोस्ट पे और फिर उसको हम उल्टा करके रख देंगे, चीज़ साइड नीचे, पहले हमेशा तेल में फ्राई कर देंगे, निकालेंगे, ट्राइंगल्स में काटिए और फिर आप उसको केचप के साथ सर्व कर दीजिए। प्याज और लहसुन, इसमें कोई ज़्यादा मसाले हैं ही नहीं, ये ऑब्वियसली कोई देसी पाए तो हम नहीं बना रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉन्टिनेंटल रेसिपी जिसमें बहुत कम चीज़ें जाती हैं, नमक, काली मिर्चें, लौंग, लहसुन, प्याज और थाइम, थाइम डालें, बेजल डालें, व्हाटएवर। कीमा अच्छी तरह धो के छन्नी में रख दीजिएगा, एक्सेस इसका पानी वगैरह निकल जाए। थोड़ा सा हम इसको ज़रा फ्राई कर लें और फिर इसके अंदर हम डालें।
कीमा। कीमा डाल के हमेशा इस तरह ब्रेकअप कर देते हैं। कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए अगर आपको जीतना है। इन्हें इसकी तरफ से ड्राई स्मार्ट आयन और 888 पे आप उसको SMS कर दीजिएगा। जब आपको SMS करना है, ठीक है, 888 पे 8881 इस नंबर पे आप अपने फ़ोन से SMS करिएगा। अच्छा जी, जब तक मैं कीमा भून रही हूँ एक चीज़ डाल दूँ, फिर ब्रेक पे चलते हैं। कुटी हुई काली मिर्चें, पिसे हुए लौंग, ठीक है, फिर थाइम, थोड़ा सा नमक और मैदा एक चम्मच भर के, दैट्स इट। अब सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जितना कीमा हो चुका होगा उसको हमें ठंडा भी करना है और बेस जो हमने बेक करने रखा है अवन में उसको निकालना भी है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला TV और बहुत सारे जवाब देते रहिएगा ड्यूरिंग द ब्रेक, ठीक है। सवाल हमारा है कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अच्छा देखें, तेल गरम किया आपने, उसमें आपने एक प्याज डाली चॉप की हुई, दो तीन लहसुन के जवे डाले, आधा किलो कीमा डाला, बीफ का, चिकन का, मटन का, जो भी, ठीक है। फिर आपने उसमें नमक, काली मिर्चें, मैदा, थाइम डाला एंड दैट्स इट, सही है। और तो कुछ भी नहीं डाला मैंने, पानी शानी मैंने कुछ भी नहीं डाला। हाँ, लौंग डाले, ठीक है, लौंग पिसे हुए, ग्राउंड क्लोव्स, और इसको थोड़ा ठंडा करिएगा। मीनवाइल हमारा बेस जो है वो बेक हो रहा है, अभी नहीं हुआ है। 200 ग्राम मैदा लिया, चुटकी भर नमक डाला, फिर उसमें आपने 100 ग्राम ठंडा मक्खन डाला, आपने एक ठंडा अंडा डाला और आपने 2 से 3 टेबलस्पून भर के ठंडा पानी डाला। ये सब कुछ ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। आपने उसको गूंद लिया, गूंद के आपने उसको ठंडा किया, 2-3 घंटे ठंडा करेंगे, फिर आधा डिवाइड करिएगा। छोटा मेरा है ये पाई प्लेट, तो आधा हमने नीचे बिछा दिया, उसके ऊपर पेपर रखा, उसके ऊपर हमने वो डाल दिए बीज या बीन्स या चावल या लोबिया या कोई भी भारी चीज़, उसको वे डाउन करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटर शेल्फ पे हमने उसको करना है बेक। बेक हो जाएगा, निकालेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको ऊपर डाल के इसको कवर करके पाई होगा ये ऊपर नीचे का क्रस्ट, बीच में कीमा, ये हम रख देंगे, ठीक है, समझ आ गई। ये रखेंगे, बंद कर देंगे और 1-2 स्लिट्स रख देंगे ताकि एस्केप हो जाए भाप, स्टीम। साहिवाल से सायरा है जी, उनसे करते हैं बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए जी। वो मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूँ आपका? जी, कीमे से तो बेशुमार चीज़ें बनती हैं, शामी कबाब बनते हैं, सीख कबाब, नगेट्स बनते हैं और उसके बाद स्पैगेटी, हाँ जी स्पैगेटी में भी डलता है, और कीमे के आप कीमे के वो समोसे भी बनते हैं, और वो जो होता है उसको क्या कहते हैं, हाय हाय नाम नहीं, सैंडविच भी बनते हैं। क्या जी? क्या जी? सैंडविच, ठीक है, सैंडविचेस भी बनते हैं जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या है। 1 टेबल स्पून मैदा है, ठीक है, फिर हम डालेंगे मस्टर्ड 1 टीस्पून जितना, मस्टर्ड पेस्ट चीज़ के साथ बहुत अच्छा रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा डालती हूँ। फिर आप बेकिंग पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर डालिए। बेकिंग पाउडर कहाँ है? मैं मंगाती हूँ बेकिंग पाउडर। फिर थोड़ा सा आप इसमें नमक शामिल करिए, ठीक है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालीजिएगा क्योंकि मक्खन भी है और चीज़ भी नमकीन है। कुटी हुई काली मिर्चें, 1 अदद अंडा, थोड़ा सा मक्खन और चीज, बेकिंग पाउडर जरा भिजवा दीजिएगा, ये चीज ग्रेट किया हुआ। ठीक है जी, मैदा, बेकिंग पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर, चीज, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, अंडा, मक्खन, नमक, दैट्स इट। ब्रेड है और केचप तो ऊपर से हम ड्रिजल करेंगे, तो ये सारी चीजें आप डालिए
और आप इसका एक पेस्ट सा बनाइए, मिक्स करिएगा, पानी वानी दूध छूट कुछ नहीं डालिएगा। ये पेस्ट सख्त होना चाहिए, मतलब स्प्रेडेबल हो लेकिन पानी जैसा नहीं हो, बिकॉज हमें इसको ब्रेड पे लगा के फिर फ्राई करना है, सही है? सो मिक्स मिक्स। ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड के स्लाइसेस, बेकिंग पाउडर, तब तक हम उसको चेक कर लेते हैं, अगर बेस हो गया है तो उसको निकालते हैं। सर 5 मिनट और, ठीक है, तब तक इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ब्रेक लेनी पड़ेगी ताकि बेकिंग पाउडर जाके मैं खरीद के ले आऊं। कहाँ है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में जाके जारनक ढूंढ के लाएगी, कहाँ चला गया, बेकिंग पाउडर गुम हो गया। देखते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें ये बेस हमारा हो गया है बेक, इसको हमने निकाल दिया। आप लोग प्लीज इसको ठंडा करिएगा, फिर ये जो कीमा है पूरा वो हमें नीचे भरना है। इसमें कोई वेजिटेबल्स डालना चाहें वो आप कर सकते हैं, ये सिर्फ मीट पाए है हमारे लिए आज। और अब हम इसके ऊपर वो बेस रख देंगे। ये बीन्स जब ठंडे हो जाएं तो इनको आप रख दीजिएगा वापस यूज़ करने के लिए, ठीक है? ये आपने बेस उठाया इस तरह और आप इसके ऊपर इसको रख दीजिए पूरा। पेपर उठा लीजिए, अब आपने इसको बेक करना है। सो साइड्स जो है ना एक्स्ट्रा वाले वो आप निकाल देंगे इस तरह, ठीक है? और आप इसको सील कर दीजिए, जितना एक्स्ट्रा हो वो प्लीज यहाँ से काट लीजिए छुरी से या कैंची से, और ये तो वैसे भी सुकड़ जाएगा। मगर एक चीज हमने करनी है बिफोर वी पुट दिस टू बेक, स्निप करना है बीच में ऐसे कैंची से। जी कौन है हमारे साथ? शब्बीर, शफीक जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जानना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, जुमा मुबारक हो आपको और आपकी पूरी टीम को। जी फरमाइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ और आपकी रेसिपी बनाता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी कीमा बिरयानी, जी कीमे के समोसे, ठीक है, कीमे के रोल, कीमे के बर्गर। जी बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू जी, आपने जवाब दिया, कॉल की, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अब हम क्या करेंगे, बरामद हो चुका है बेकिंग पाउडर, ठीक है, उसको भी डालते हैं और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी वो मैं आपको बताऊं। देखें मैदा था बहुत थोड़ा सा, हाँ, मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर, चीज़, चिली पाउडर, काली मिर्चें और नमक और अंडा, मक्खन, सब कुछ आप मिक्स करके रख दीजिएगा और आप उसको पेस्ट सा बना लीजिएगा। लेकिन मेक श्योर कि वो पेस्ट बिल्कुल भी नरम नहीं हो, वो नहीं हो, ठीक है, उसके ऊपर से निकल नहीं जाए। सो आपको इसको अच्छी तरह लगाना है इसके ऊपर, एंड्स तक लगाइएगा इस तरह। और जब तेल फ्राई, जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे इसको।
ठीक है, पेस्ट होना चाहिए प्लीज, स्प्रेडेबल वाला पेस्ट, और इसके ऊपर चिपक जाए। कोई भी चीज़ लीजिएगा, कोई शार्प चीज़ होगा तो बेहतर रहेगा वो, यानी कि स्ट्रॉन्ग कोई फ्लेवर वाला चेडर चीज़, मोज़रेला इसमें नहीं। दो तीन चीज़ आप मिक्स करके भी कर सकते हैं, चीज़ टोस्ट तो आपको रमज़ान में भी ये रेसिपी बहुत काम आएगी, बिकॉज एज एपेटाइजर यू कैन। अब हम देखते हैं ज़रा कुछ डाल के, दिस इज़ डन, या इट्स डन। सो ये साइड नीचे, ओके, और एक छन्नी और बोल, और गोल बोल वाला चमचा ले लें, पहले चीज वाला पार्ट डालिएगा। इसको आप एयर फ्राई कर सकते हैं, अवन में बेक कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसमें से बहुत ज्यादा तेल होता है, इसको आप अच्छी तरह ड्रेन होने दीजिएगा। जी फरमाइए। ठीक है, इसी तरह आप लगा के रेडी करके रख दीजिएगा, और इफ्तार से पहले आप कर सकते हैं इसको फ्राई, ताकि गरम गरम हो। चीज इज ऑल कमिंग आउट। मुझे कुछ कह रहे हैं आप, ब्रेक है? ठीक है, ब्रेक लेते हैं। क्या ब्रेक है कि कॉलर है? कंफ्यूजन है फिलहाल तो। अच्छा जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप फरमाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जरूर। कीमे से पकौड़े कह रही हूँ, समोसे बनते हैं, रोल बनते हैं, स्पेगेटी भी बनती है, और बिरयानी में भी कीमा डलते हैं, और कबाब भी बनते हैं। ठीक है ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू जी, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। इसको होने देते हैं, दूसरी छन्नी ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी क्राउडेड, और मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी। आप लोग लीजिए ब्रेक। ये एक्स्ट्रा जो इस तरह चीज़ वगैरह रह जाता है ना, उसको हम निकाल देंगे, बिकॉज फिर वो ख़राब कर रहा है दूसरा मिक्सचर। और एक लास्ट बस, चीज़ टोस्ट रेडी। इसको आप ट्रायंगल्स में काटें और केचप के साथ खाएं, किसी भी सॉस के साथ खाएं।
अब ब्रेक है, हम ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। मैं ये फ्राई कर रही हूँ, मीट पाई हमारा बेक हो रहा है। 888-1 पे SMS करके आंसर दे दीजिएगा, सही जवाब आपने बताना है कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, मैं सजा रही हूँ अपने चीज़ टोस्ट और हो गए हैं ये, ज़रूर रेसिपी आप ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करिएगा, बट नॉट विथ कोई चटनी वटनी के साथ नहीं जाएगा ये चीज़ का, ठीक है। अच्छा जी, हम रिकैप कर देते हैं चूँकि हमारा काम ख़त्म हो गया है, मीट पाए हमारा बेक हो रहा है। ये देखें, सुकरे की पेस्ट्री, तो ऊपर की पेस्ट्री हमेशा बड़ी रखते हैं, ये दिखाएँ, ठीक है। रिकैप करती हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको बता भी दूं मैं अगले हफ्ते क्या बना रही हूँ, ज़रा अपना फ़ोन चेक कर लूँ जी। अच्छा जी, तो मैं बना रही हूँ मंडे को चाट चॉकलेट कपकेक्स, ठीक है। ट्यूसडे को मैं मालपूरा के बैटर से वॉफल्स बनाना सिखाऊंगी, उसको हम सर्व करेंगे रबड़ी आइसक्रीम के साथ। डेट के कुकीज़ होंगे, बिकॉज खजूर से बहुत सारी रेसिपीज़ मैं रमज़ान में बनाना आपको सिखाऊंगी। फिर वेनसडे को पता नहीं, शायद पहला रोज़ा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, इलायची शरबत है और फलाफल फ्लैट ब्रेड्स हैं, वो देखिएगा क्या बनाऊंगी। थर्सडे को चाइनीज़ स्टाइल पकौड़े हैं और बघाड़े दही बड़े हैं, और फ्राइडे को मीट के, गोश्त के दही बड़े हैं और लेमन चिकपी चिकन है, ठीक है। अच्छा, लज्जत में बोरी कबाब, ब्रेडेड पिज्ज़ा रोल्स और रशियन सैलेड 5 बजे लाइव देखिएगा उनका शो भी, और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा और हमारे सारे शोज देखिएगा, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी और एवरीथिंग। अच्छा, इस पे कर दें थोड़ा ड्रिजल केचप, क्या करें। सो वी विल जस्ट ड्रिजल आवर केचप। किसी भी तरह कुछ भी कर लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और मीट पाई की भी जगह करते हैं अभी, और रिकैप भी पूरा कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या किस तरह बनाया था। कॉलर हैं जी, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं इस्लामाबाद से मिसेज रजीम बात कर रही हूं। जी फरमाइए, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूं, थैंक यू जी। बोलें। हेलो जी, बोलें, मुझे आवाज आ रही है, बोलें। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूं, कॉल कभी कभी मिलती है, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज हमारी ज़रूर ट्राई करिएगा जी, मैं करती हूँ अक्सर आपकी। अभी वो अगले दिन जो आपने वो बनाई थी ग्रेवी चिकन, वो भी मैंने ट्राई की है, बहुत अच्छी बनी थी। कल वाली ट्राई भी कर ली जी? ओह एक्सीलेंट, थैंक यू। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी थी। वेरी गुड, आई एम हैप्पी कि आपने ट्राई की, थैंक यू। और सवाल का जवाब दूँ? जी ज़रूर। कीमा करेले, आलू कीमा, कीमे वाले समोसे, कीमे वाले नान, मटर कीमा, कीमा पुलाव। ओके, बहुत शुक्रिया। ड्राई स्मार्ट आयन एनएक्स की तरफ से गिफ्ट है, अगर आपको जीतना है 888-1 पे SMS करके बता दीजिए कीमे से बनने वाले रेसिपीज के नाम। एक और कॉलर हैं जी। हेलो 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 जी, अभी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपकी कुकिंग का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और आप मनाते भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। और अल्लाह ताला आपको, आपको और आपकी तमाम टीम को बहुत तरक्की अता फरमाए। थैंक यू जी, शुक्रिया, आमीन, थैंक यू। अभी आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। आपने कीमे की रेसिपी पूछी है ना जी? अभी ये कीमा पराठा होता है, कीमा पुलाव होता है, कीमा टिक्का बिरयानी होती है, और कीमा क्या? एक मिनट का क्या, ये क्या था? कीमा टिक्का ग्रेवी बिरयानी? बिरयानी, मैंने सुना कीमा टिक्का ग्रेवी, मैंने कहा ये कौन सी रेसिपी है, मैं भी तो जरा सीखूं। अच्छा फिर आगे बोलिए। और कीमे का सालन होता है, मटन कीमा का गोश्त का सालन होता है। ये दाल गोश्त मटन कौन सा है ये? या आप अपनी तरफ से ठोक रही हैं बीच में, है ना जी? अपनी तरफ से डाल रही हैं कुछ कीमा दाल और गोश्त, मटन कीमा। अच्छा
तंग कर रही हूँ, माइंड नहीं करिएगा, ठीक है? थैंक यू, मैंने नोट कर दिया है आपका जवाब। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा, कॉल करिएगा। बहुत शुक्रिया, रमजान में भी हमारे साथ रहिएगा। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमने मिक्सचर कैसे बनाया था जो इसके ऊपर गया, चीज़ टोस्ट के ऊपर, तो मैदा, मस्टर्ड, नमक, काली मिर्चें, बेकिंग पाउडर जो गुम हो गया था जिसको मैं ढूंढ के लाई, फिर चीज़ कोई भी ग्रेट कर दीजिएगा, चेडर हो, डार्क चेडर हो, शार्प वाला हो, जो भी, चिली पाउडर और अंडा, थोड़ा सा मक्खन, सब कुछ मिक्स करके स्प्रेड कर दीजिएगा ब्रेड पे। बासी डबल रोटी पड़ी हो तो आसान तरीका है, ऐसी चीज़ों को बना लें, क्रोटॉन्स बना लें, ब्रेड क्रम्स बना लें, ठीक है? रोटी को वेस्ट नहीं करिएगा, लगा के फौरन उसको गर्म तेल में उल्टा पहले डाल दीजिएगा, जो चीज़ वाला मिक्सचर है वो नीचे, बस हो जाएगा। दो मिनट में हो गया, निकालिए, इसको काटिए ट्रायंगल्स में और सर्व कर दीजिए, ठीक है जी। और कीमे को हमने किस तरह पकाया था, प्याज, लहसुन, थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें, लौंग पिसे हुए और थाइम, उसमें आप कीमा भून लीजिए, ठंडा करिए। बेस कैसे बनाया था, पाए क्रस्ट कैसे बनाया था, 200 ग्राम हमने मैदा लिया, उसमें चुटकी भर नमक डाला, 100 ग्राम ठंडा मक्खन, एक अदद ठंडा अंडा और 2 से 3 टेबलस्पून ठंडा पानी, ये मिक्स करके आप उसको गूंद के रख दीजिएगा 2 से 3 घंटे, फिर निकालिएगा, आधा करिएगा, 2 हिस्सों में कर दीजिएगा, एक बेस पे और एक ऊपर जाएगा, ठीक है? बेल दीजिएगा, उसके ऊपर पेपर रख के, लोबिया, चना, चावल कुछ भी रख के बेक कर दीजिएगा 15-20 मिनट, निकालिएगा, ठंडा करिएगा। कीमा भी ठंडा होना चाहिए, बेस भी ठंडा होना चाहिए, फिर वो कीमा डाल के ऊपर से वो दूसरा बेस, टॉप उसका पेस्ट्री का रख के कैंची से काट लीजिएगा ताकि उसमें से भाप एस्केप हो, वरना आपकी पेस्ट्री बहुत सॉगी हो जाएगी। समझ आ गई? ठीक है, अब मैं जाऊं ब्रेक पे, एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात फिर। हेलो, हेलो, हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आवाज बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। नहीं नहीं, मैंने पहली दफा आपसे बात कर रही हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बहुत दुआ करनी है। सॉरी जी, मैं तो समझी मिसेज शाहिद है, उनकी आवाज ही बिल्कुल आपकी तरह है, वो पता नहीं कहाँ है, आजकल फोन नहीं कर रही। हाँ जी, मैं भी मिस कर रही हूँ उनको। अच्छा जी, जी बोले। नजर, मुझे पार्किंसन की बीमारी है जी, फरमाइए। तो अब मैं आपको सवाल का जवाब दे देती हूँ। आलू की मैं शामी कबाब है, कबाब है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दुआ जरूर कीजिएगा प्लीज। जी जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, थैंक यू कॉल करने का, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अब मैं याद कर रही थी, देखें मिसेज शायद आप सुन रही हो, तो बहुत अरसा हो गया आपने कॉल नहीं की, कहाँ हैं आप गायब? कुछ हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं ना जिनको हम भी याद करते हैं। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्या ख्याल है? ब्रेक ले लेते हैं। मीट पाए, अज्जा बीफ का बारीक कीमा आधा किलो, प्याज क्यूब्स एक अदद, कुचला लहसुन एक जवा, पानी एक कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, खुश्क थाइम आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी लौंग एक चुटकी। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के लिए मैदा 400 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, ठंडा मक्खन क्यूब्स 200 ग्राम, अंडे 2 अदद, ठंडा पानी 3 से 6 खाने के चमचे। तरकीब, बीफ के कीमे में प्याज, लहसुन, पानी, नमक, थाइम, काली मिर्च और लौंग डालकर गोल्डन होने तक पका लें, फिर इसे रूम टेम्परेचर पर रख के ठंडा कर लें। उसके बाद पेस्ट्री के लिए ठंडा मक्खन, मैदा, नमक, अंडे और ठंडा पानी मिलाकर डो बना लें और चंद घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इसे आधा तकसीम करके पाई प्लेट में लगा दें। अब कीमे का मिक्सचर पाई क्रस्ट पर डालकर पेस्ट्री डो से कवर करके सील कर लें, फिर भाप निकलने के लिए डो में चंद सुराख कर दें। उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल किनारों पर लगाएं ताकि किनारे जल ना जाएं। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 30 मिनट बेक करके फॉयल हटा दें, फिर मज़ीद 15 से 20 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करें और स्लाइस करने से पहले 10 मिनट ठंडा कर लें। चीज़ टोस्ट्स, अज्जा मैदा 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, कद्दूकश चीज़ 4 औंस, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, रेड स्लाइस 4 से 6 अदद, केचप सर्व करने के लिए, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स कर लें, फिर इन्हें ब्रेड स्लाइस पर लगा दें। उसके बाद तेल गर्म करके ब्रेड स्लाइस को गोल्डन होने तक फ्राई करें, फिर इन्हें निकाल कर केचप और किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूँ ज़रनक सिद्वा, और अब मैं घर जाना चाह रही हूँ बिकॉज शो का टाइम खत्म हो चुका है। मीट पाए हम बना चुके हैं, अच्छा सा ऊपर से भी गोल्डन क्रस्ट हो गया है, चीज़ टोस्ट है रेडी टू ईट,
एंड बड़े बड़े ब्रेड से भी आप इस तरह चार भी बना सकते हैं. सो बहुत सारे बन जाएंगे इस रेसिपी से, ट्राई करिएगा ज़रूर. नौरीन जीती हैं लाहौर से, एनेक्स का गिफ्ट आपको जल्द पहुँचा दिया जाएगा आप तक आपकी गिफ्ट. एड्रेस लेंगे हम, पेशेंस रखिएगा, पहुँच जाएंगी सारी गिफ्ट पहुँच जाती हैं. चलिए जी, अब आप दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त विद द रिमाइंडर कि सैटरडे संडे हफ्ता इतवार 12:30 दोपहर में लाइवली वीकेंड्स के बाद मेरा डॉलन्स का शो गेट सेट कुक बाय डॉलन्स ज़रूर देखिएगा. उसमें डॉलन्स के अप्लायंसेस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो मैंने दिखाया है. आप लोग बार बार कहते हैं अवन और कन्वेक्शन अवन और एयर फ्रायर और फलाना डिमका कैसे चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ सीख लेंगे, ठीक है. उसके अलावा मज़ेदार रेसिपीज़ भी हैं जो मैंने कभी दूसरे इस वाले शो में नहीं बनाई. तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और हमारे साथ ही रहिएगा. रिकॉर्डेड शोज़ देखिएगा, लाइव देखिएगा इसी तरह. थैंक यू सो मच. चलिए अब दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते विथ लवली रेसिपीज. अल्लाह हाफिज. मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़.